Assalamualaikum guys, finally आज मैं अपनी गाड़ी को सर्विस के लिए लेके जा रहा हूँ। सर्विस करवाएंगे, ऑयल चेंज करवाएंगे। गाड़ी रखना बहुत आसान है लेकिन उसको मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है। आइए चलते हैं, पहले गाड़ी की सर्विस कराते हैं। गाड़ी की सर्विस हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं ऑयल चेंज कराने। और ऑयल चेंज करा के अब देखते हैं कि ऑयल कौन सा डलवाना है। शीशा जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, मेरे गाड़ी का एक शीशा भी जो है ना वो टूटा हुआ है। कोशिश करेंगे आज इसको भी लगवाएं। ऑयल उसने गाड़ी से निकाल दिया, मैं अभी आपको ऑयल की कंडीशन भी दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी से ऑयल निकला है। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, मुझे बताइएगा कि कितने किस्म के आपके पास ऑयल मौजूद है इस वक्त? ऑयल सिक है और शेल है, GTX है, TSO का है, किक्स है, हुंडई है। रेट का भी डिफरेंस है और क्वालिटी का भी डिफरेंस है क्या? गाड़ी ऑल्टो के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल इस वक्त कौन सा? मैं तो वैसे शेल डलवाता हूँ। शेल तो, अच्छा ऑयल है। तो शेल ऑयल अच्छा है। अभी आपने इसमें फिल्टर चेंज करा और क्या करा? फिल्टर चेंज किया और बस अभी ऑयल चेंज करेंगे। इंजन की सफाई किस चीज़ों से करते हैं? डीजल से और मिट्टी के तेल से। देखिए जी, बाइक के लिए शेल का डब्बा आ गया। अभी पता है क्या मेरे जहन में क्या आ रहा है? मेरे जहन में ये आ रहा है, जिस हिसाब से गाड़ी गंदी बाहर थी तो अंदर उस हिसाब से कितनी मिट्टी निकलेगी। मामला कुछ यूँ है कि प्रेशर जो है वो ख़त्म हो चुका है। एक रक्षे वाला आया हुआ था तो उसने जब अपने हाथ में पाइप लिया तो आप लोग जानते हैं इस चीज़ को, तो उसने पूरा जब तक प्रेशर ख़त्म नहीं हुआ तब तक उसने छोड़ा नहीं। अब 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रेशर बनने में, उसके बाद फिर देखते हैं गाड़ी में से कितनी मिट्टी निकलती है। मैंने टायर चेंज करवाए थे, तो टायर चेंज करवाने के बाद मुझे पप्पू भाई हमारे होते हैं फरीद भाई, तुमने टायर चेंज करवा लिया लेकिन तुम हमेशा इस गाड़ी की हवा जो है ना वो पूरी रखना, नया हो या पुराना हो। हम लोग ये करते हैं अक्सर, जब तक पंचर नहीं होता तब तक उसको हम चेक ही नहीं करते, ना हमें उस पर ध्यान होता है। तो हर 2-4-5 दिन बाद टायर की हवा जो है वो चेक करते रहा करें, इंशाल्लाह टायर कभी भी जो है वो आपका ख़राब नहीं होगा। गाड़ी में ऑयल जो है वो डल चुका है और मीटर रीडिंग अब हम चेक करते हैं। रीडिंग है इस वक्त मेरी गाड़ी की और अब हम इसके बाद देखेंगे 3000 आगे की लिख देंगे ताकि अंदाज़ा हो जाए कार्ड पे कि कितनी गाड़ी चल चुकी है। नॉर्थ कराची बाड़ा मार्केट आएँ और अकबर की पुलाव ना खाएँ। आपने ज़िंदगी में कुछ खाया ही नहीं पुलाव के लिए, आपको पुलाव का टेस्ट पता ही नहीं है अगर आपने ये नहीं खाया तो। आप देख सकते हैं अकबर यखनी पुलाव, बेहतरीन किस्म की यखनी पुलाव होती है इसके पास। आ भैया, हेलो, मुंह में पानी आ चुका है मेरे यार। एक पुलाव ला दो, कितने की है? 90 रुपए पाव है, तो एक पाव ला दो सही है। और उस पे वो नहीं डालना, क्या क्या डालते हो? रायता, प्याज नहीं डालना, रायता डालते हैं। गर्मी बहुत हो गई है, अब सो चुका है, ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश होने वाली है। कराची में वो बात ही नहीं रही अब सर्दियों की ना, वो मुझे पता ही नहीं चला। एक महीने शायद जैकेट पहनी है बस, उसके बाद तो कोई काम ही नहीं। वो भी जैकेट फैशन में पहन ली, जरूरत थी नहीं उसकी। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आपको दिख भी रहा है कि मैं पूरे दिन क्या कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं फारिग हूँ, तो उस वक्त क्या कर रहा हूँ मैं? एडिटिंग, अपलोडिंग, गुड हो गया। जा रहा हूँ अपने वालिद साहब की कब्र पे, अब्बू की कब्र पे आज हाजिरी देनी है। अक्सर जाता रहता हूँ लेकिन ये है कि आज आप लोगों को भी साथ लेके चलता हूँ। जब तक रास्ते का टाइम लैप्स चल रहा है, सूरह फातिहा एक दफ़ा पढ़ लें और मेरे वालिद साहब की बख्शिश के लिए दुआ करें।
जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। मोहब्बत जज्बा है सुनो लोगों, मोहब्बत कम लीवा। ये जो है मेरे प्यारे दोस्त, उनके वालिद साहब की कब्र है सैयद अहमद हसनी, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जिस मन में समा जाए, ये जिस मन में मेरे वाले साहब की कब्र है। वो मन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं।